आदिवासी समुदाय के जो हक और अधिकार है उसके लिए आदिवासी एकता और विकास आंदोलन के साथ जुड़कर काम कर रहा हूँ। आदिवासियों की समस्याओं की बात की आपने, गुजरात के संदर्भ में यहाँ पे क्या क्या समस्याएं हैं? आदिवासियों की समस्या बहुत गंभीर प्रकार की है, क्योंकि यहाँ जो पहला मैं जो मुद्दे पे काम कर रहा हूँ वो वन अधिकार कानून 2006 पे फॉरेस्ट राइट एक्ट पे काम कर रहा हूँ। और ज्यादातर गुजरात में 182,000 दावे किए गए हैं जिसका जमीन क्लेम की गई है। हाँ, जमीन के क्लेम किए गए और उसमें देखा जाए तो आज तक 20% जितना इम्प्लीमेंट हुआ है। और इसी मंथर गति से जो सरकार अपना रुख है वो बदलेगी नहीं, और अपनी जो गति उसी से क्लेम को पास करेगी तो 100 साल भी लग सकते हैं। यानी कि हम जहाँ हमारा कब्जा है वो कब्जे का कागज लेने में मैं मर भी जाऊं और मेरी दूसरी पीढ़ी भी आ जाए तब भी मिलेगा कि नहीं, वो एक सवाल है। तो यहाँ पे ये शुगर मिल फैक्ट्री या शुगर फैक्ट्री जो भी है उनकी क्या समस्याएं हैं और उससे आदिवासी कैसे प्रभावित है? इसमें आदिवासी मैडम इससे प्रभावित है कि पानी, इधर झील में पानी नहीं है ना, पानी मिलेगा तो गन्ना पकाएगा लोग, तो शुगर मिल चलेगी, बढ़िया चलेगी, नहीं तो वो भी बंद होने वाली। इस झील पे सब गांव निर्भर है, रोजी रोटी के लिए निर्भर है। आजू बाजू में सब जगह पे इस झील से पानी जाता है। वह सामने देखो ना, ये पंप है, ये पंप में से पानी इधर पीछे पंप लगा है, सब जगह पंप लगा है। ये मंडली बनाई है आदिवासी लोगों ने, वो मंडली से पानी सब खेत में जाता है और ये खेत से वो गन्ना पकाते हैं वो चावल भी पकाते हैं। तो वो पानी ये सूख गई नदी, तो अभी तो ये गन्ना सूख जाएगा तो शुगर मिल कैसे चलेगी? तो ऐसा भी होता है कि शुगर मिल बंद रहती है महीने में, साल में कुछ महीने, या बिल्कुल बंद पड़ जाती है, ऐसा हुआ है पहले? नहीं, शुगर मिल 4-6 महीने चलती है वैसे तो। अच्छा, और बाकी समय बंद रहती है, खत्म होने के बाद बंद होती है। तो उस समय ये करते हैं जो जिन लोगों की रोजी रोटी आप बोल रहे हो निर्भर है, जब वो बंद रहता है तो वो क्या करते हैं? वो तो नया गन्ना पकाते हैं ना। अच्छा, वो जब वो पक गया वो गन्ना शुगर में जाता है, वो खत्म होने के बाद नया दूसरा निकलता है। लेकिन पानी की समस्या नहीं होने की समस्या लेके ये जो गन्ना है वो सूख जाएगा अभी। अच्छा, पानी नहीं आ रहा है, पानी तो इधर सूख गया तो कहाँ से आएगा, इसलिए वो पानी की जरूरत है। सबको तंत्र को बोला है लेकिन वो पानी छोड़ेंगे कैसे, लेकिन छोड़ते नहीं है। तो ये जो गन्ना भी लगा हुआ है अगर वो सूख जाएगा तो मतलब एक एक खेत में कितना नुकसान, आप भी खेती करते हो तो आपको कितना नुकसान होगा? 50,000 रुपया एकड़ के हिसाब से नुकसान होगा। अच्छा, तो ये आपका क्रॉप इंश्योरेंस है? नहीं, इधर नहीं है। नहीं है इधर क्रॉप इंश्योरेंस, कोई नहीं करता इधर क्रॉप इंश्योरेंस। क्यों नहीं करते हो आप जो क्या बोलते हैं, जो खेती जो होता है उसका एक इंश्योरेंस आता है ना, बीमा हाँ, वो क्यों नहीं करते? छोटे छोटे इधर रहे आदिवासी लोग है, उसके पास कोई पास 2 एकड़ ऐसी खेती है, ज्यादा खेती वाला कोई है नहीं, तो वो बीमा भी नहीं मिलता है। बीमा भी नहीं मिलता। अच्छा, लोन मिलता है, सरकारी लोन मिलता है? लोन तो मिलता है, तो लेकिन कितना मिलता है, थोड़ा मिलता है। वो तो शुगर मिल भी थोड़ा धीरान देता है, लेकिन ये लोन फिर चुका नहीं पाता। हाँ, ये नदी के पानी की वजह से लोन भी नहीं चुका पाएगा। अभी अभी सुप्रीम कोर्ट का एक काफी कंट्रोवर्शियल एंटी ट्राइबल अगर एक तरह से देखा जाए तो ऑर्डर आया है, उसका यहाँ पे ग्राउंड में ट्रांसलेशन क्या होता है, मतलब क्या इस असर पड़ा है और यहाँ पे सरकार उसको किस तरह से डिसेमिनेट कर रही है? कानून आया, कांग्रेस के राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के सीएम को ऑर्डर दिया कि आप जो है इस कानून को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाए। गुजरात के अंदर हम बात करेंगे तो बीजेपी ने और केंद्र सरकार ने भी ऑर्डर दिया और लोगों को आश्वस्त किया कि हम इस कानून मतलब इस ऑर्डर को रोकेंगे, और आदिवासियों का जो गुस्सा था, आक्रोश था, वो दोनों पक्षों ने अपने तरीके से ठंडा करने की कोशिश की।
हालांकि इसमें एक ही चीज थी कि इतने बड़े पैमाने पे जो ये ऑर्डर ला के आदिवासियों को जंगल से बेदखल करने की जो हरकत करने की बात थी जो सुप्रीम कोर्ट ने कही वो सबसे शर्मनाक थी। पर उसके बावजूद भी अगर इसके ऊपर जो पॉलिटिक्स की बात आती है और लोकसभा चुनाव पीछे ही था तो आज ये हो रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता जो है वो आदिवासियों को जाके बोल रहे हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो हम जमीन देंगे, कांग्रेस बोल रही है हम आए तो हम देंगे। तो इसमें आदिवासी जो है वो फंसता जा रहा है। 2005 से कानून बना हुआ है, आज तक उनको जमीन का अपना टुकड़ा जो है वो सही ढंग से नहीं मिला। जिनकी जमीनें अप्रूव्ड है क्या उनको मिली है यहाँ पे? गुजरात का रेशो अगर हम देखें तो ऐसी भी हालत है कि मैं कुछ दिनों पहले उमरपाड़ा गया तो उमरपाड़ा के गांव के अंदर सविता बहन के नाम की जो महिला है जिनका भी कुछ लोगों ने काफी जगह पे इंटरव्यूज भी गया है कि उनको केवल 40 आ रहे मतलब एक मकान भी नहीं बन सकता उतनी जमीन, वो खेती कर रही है 6 एकड़ पे क्लेम किया 6 एकड़ पे और उनको एक मकान बांध पाए उतनी ही जमीन दी है अप्रूव की है। अच्छा। और ज्यादातर रेशियो जो है कानून कह रहा है कि 10 एकड़ कम से कम दी जा सकती है अगर क्लेम की है तो सरकार 2 एकड़ से ज्यादा नहीं दे रही और उससे भी ज्यादा कम कुछ आरे में मतलब कुछ मकान जितनी या बाथरूम जितनी भी जगह है अब तो अलर्ट करने की बात हो रही है। तो ये दोनों चीज है पर सबसे बड़ी चीज ये है इसमें कि कांग्रेस हो या बीजेपी हो दोनों उन्हीं मतलब आदिवासियों को बहका रहे हैं। अगर दोनों को अगर आदिवासियों के अधिकार की बात करनी है 5वीं और 6वीं अनुसूची का अगर उनको सही तरीके से बंधारण में जो अधिकार दिए उसको इम्प्लीमेंट करना है तो सबसे पहले तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बना हुआ 1927 का जो कानून है उसको रद्द करने की बात दोनों को अपने मैनिफेस्टो में रखनी चाहिए थी पर दोनों में से किसी पक्ष ने आज तक वो बात नहीं की। कहीं ना कहीं हिंदुत्ववाद की बात करके देशद्रोह का मामला सामने ला के आतंकवाद को मुद्दा बना के और बीजेपी जो है अपना ध्रुवीकरण कर रही है वोट के लिए और कांग्रेस जो है वो फांसीवाद दिखा रही है, भ्रष्टाचार दिखा रही है, ये दिखा रही है वो दिखा रही करके जो मूल मुद्दे है उससे डाइवर्ट करके पूरा इलेक्शन खेला जा रहा है। और आदिवासियों के अपने जल जंगल जमीन के सवाल हो, उनके शिक्षा के स्वास्थ्य के उनके रोजगार के जो सवाल हो वो बात नहीं की जा रही है। उनके पास आज आदिवासी सोनगढ़ के इलाकों के ऐसे गांव बन चुके हैं, मलंगदेव और चीर में जाएंगे तो वहां टैंकरों से पानी भेजना पड़ रहा है, मतलब पीने के लिए जंगलों में पानी नहीं बचा है। वहां बाजू में डैम है, उन्होंने अपनी जमीन डैम में घुमाई है और वहां उन इलाकों में पीने के लिए पानी नहीं, ऐसे हालात बन चुके हैं। तो ऐसे मसलों के ऊपर बात ना करते हुए देशद्रोह की और बाकी अलग अलग बातें करना ये कहीं ना कहीं ये है कि आज राजनीति तो बिल्कुल लोगों के मसलों से हट गई है। नाम बेन? जैना बेन। आपका? कोरोना। ये लकड़ी का चूल्हा क्यों यूज कर रहे हैं आप लोग? आप लोगों के पास गैस नहीं है? गैस है लेकिन बहुत महंगा के कारण हम ये चूल्हे पे ही बनाते हैं। कितने गैस यूज करते हैं आप लोग साल में? साल में एक दो बार, बाकी पूरी साल 8 महीने 9 महीने आप लोग लकड़ी पे। अच्छा, तो ये क्या मतलब प्रधानमंत्री का तो वो है कि सब्सिडी आएगा सबके खाते में, सब्सिडाइज्ड गैस है तो आप लोगों को सब्सिडी नहीं मिलता? नहीं मिलता। अच्छा, कितने रुपए में आप मतलब क्या सिलेंडर, वो पूरा फुल एलपीजी जो आता है डोमेस्टिक वो यूज करते हो घर वाला? 800-900 रुपया। अच्छा, 800 रुपया बहन। ये लकड़ी आप लोग खरीदते हो कि तो जंगल से लाते हो, क्या करते हो? जंगल से। अच्छा, ये मतलब ये आप लोगों का रोज का काम है? रोज का काम। ये घर की औरतें लकड़ी लाती हैं? हाँ, घर की औरतें। अच्छा, तो ये हैं। अच्छा, कितना लकड़ी आप ले आते हो एक बार में? एक बार। एक भारा, भारा मतलब क्या हुआ? 20 किलो का इतना है। 20 किलो आप अपने सर पे उठा के ले आते हो? अच्छा, कितना दूर जाते हो? 2-3 किलोमीटर जाना पड़ता है। अच्छा, तो ये आपका किचन है, यहाँ पे बिजली नहीं है? नहीं। बिजली का क्या सिचुएशन है यहाँ पे, बिजली क्यों नहीं है? आती जाती रहती है तो ऐसे ही चला लेते हैं। कितना रहता है और कितना जाता है? कभी रात को नहीं रहती, कभी दिन को रहती है, इससे
अच्छा, एक बार चला गया तो कितना समय बाद आता है? ये तो उसकी तो कोई गारंटी नहीं, कभी आएगा कभी एक घंटा दो घंटा हो जाता है, दो घंटा तो गैस चलना भी नहीं आती है। कि अभी इलेक्शन आने वाला है लोकसभा, ठीक है, आप लोगों की जो समस्या बताई, आप लोग काफी मतलब एक तरह से परेशान दिख रहे हो, तो इलेक्शन के समय एक तो नेता लोग आते हैं, मिलते हैं, वादे करते हैं, कुछ तो थोड़ा बहुत काम पूरा भी हो जाता है वोट के लिए, तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है और यहाँ पे इलेक्शन के आगे नेताओं का क्या रवैया रहा है और आप लोग इलेक्शन में कैसा मतलब वोट करने का क्या सोचा है ये सब समस्या के मद्देनजर? लास्ट टाइम जयरे आज बड़ी समस्या माटे अमे एमएलए ना इलेक्शन वक्ते रजूआत करी 2017 की बोल, तो त्यारे अमे गामे गाम कह्यू के भाई आपणे नोटा आपीए, कारण के कोई पार्टी ना नेताओ आपणी वात सांभळता नथी, पण मने नहीं लागे के आटलो जल्दी चेन्ज आवे अमारी प्रजामां। आ वक्ते पण कहे छे के अमे सो कॉल्ड आपणे बहिष्कार करीए, पण ए एटलो सफल नहीं थाय, हजु जागृति ओछी छे, पण लगभग एकाद वर्ष में અમે લોકો સુધી પહોંચી જઈશું, ત્યાર પછી એની અસર દેખાય એવું લાગી રહ્યું છે।